और वेलकम टू माय न्यू अनदर व्लॉग। तो आप सभी का वेलकम है और हम लेके आए हैं आपके नया व्लॉग। और जिसने मेरा अभी कल वाला व्लॉग नहीं देखा है, जो सबसे पहले जाके वो वाला व्लॉग देखिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। तो मैंने बनाई है आज मैं मतलब कंफ्यूज हो गई। मैं बना रही हूँ अभिनव के लिए फ्रेंच फ्राइज, क्योंकि इसको जिद कर रहा था, इसको मन कर रहा था आज खाने का। वैसे भी संडे है, छुट्टी है, तो फिर मैं सोच रही हूँ चलो बना ही देती हूँ, फिर कल से स्कूल इसका कंटिन्यू हो ही जाएगा स्टार्ट। तो अभी मैंने फ्रेंच फ्राइज जो है वो आलू जो है वो उबाल लिए हैं, बाहर से मैं मंगवा नहीं रही हूँ बाहर का, कुछ आजकल केस वगैरह होने लगे हैं, कल टीवी पे देखा ही है। तो इसलिए थोड़ा सा डर है कि बच्चे को घर पर ही दें कुछ ना कुछ बना के, तो घर पर दूँगी। और यहाँ पर मैंने रखी है ये मलाई, ये थोड़ा सा टाइम आने पे मैं इसको बिलाऊंगी, अभी नहीं, थोड़ा लेट। तो अभी मैं फिलहाल इसका फ्रेंच फ्राइज सारा किस वाली है ना। ले लेकिन मैं नहाया नहीं और ना एक रखा, मुंह धो गया, मुंह क्यों धोया तन्ने, बस मुंह क्यों धोया तन्ने, दो तीन बार हाथ निकाल देंगे इसमें मेरी मदद है नहीं, बस तो एक दो एक घंटे की धूप लगा के ऐसे पिसवा लेंगे। हाँ, दो घंटे की बहुत है, है आज ब्रेकफास्ट में दलिया दूध का, तो मैं इनको अभी थोड़ा अभी बनाया है, तो ये थोड़ा सा ठंडा होना मैं इनको रख देती हूँ। तो ये है अभिनव का और ये है मेरा दलिया, मैं थोड़ा ही लूँगी, तो ये बहुत गर्म है। और ये नहा धो के हो गया है तैयार और बैठ गया है
टीवी के आगे और अब ये यहाँ से नहीं उठने वाला। वैसे भी इसकी 3 दिन से लगातार छुट्टी थी तो मजे कर रहा है लड़का। बना रही हूँ आज पनीर, तो पनीर के लिए मैंने टमाटर और लहसुन और प्याज और जीरा इसमें ऐड की। मैं इसको फ्राई करूँगी थोड़ी देर और फिर इसको मसाले को पीस लूँगी और फिर बनाते हैं पनीर। पनीर को अभी कट कर लेते हैं। तो पनीर भी हमारा कट के हो चुका है रेडी और ये कुछ पनीर मैंने बचा लिया है, इसको मैं उसमें थोड़ा घिस के डाल लूँगी, थोड़ा ग्रेवी टाइट सी बन जाएगी। और तो अभी बीच में भी चली गई है लाइट, तो अभी मैं नाश्ता कर लेती हूँ। वो ठंडा हो गया होगा दलिया, मुझे भूख लग रही है तो मैंने पनीर कट कर दिया है। मुझे बहुत पसंद है यार पनीर। तो बंदर आए थे और रस्सी तोड़ के भाग गए। कहाँ भाग गए? निकाल लो तू सनी भैया के घर है। हो गया। बन चुके हैं हमारे फ्रेंच फ्राइज और हम लेके जा रहे हैं मिस्टर अभिनव चौहान के लिए। ये देखो कैसा बैठा, ऐसा बैठा जो खेत में काम करके आया हो। अभी गर्म है, एक उठा अगर ठंडा हो टेस्ट करके बताओ कैसे बने हैं। ठंडा है बताओ जी। अच्छा है। अच्छे खा ले तो साथ के साथ ही लगा लेना फिर। तुम नीचे कर रहे थे गद्दे ना नहीं अच्छे ऊपर गद्दे दोपहर बाद। हाँ अभी कहीं से भी चली जा ना। बस आज हमने बेडशीट अपनी उसमें रखी है, दुल्हन में रखी है, तो ये बाकी की जो सामान थे आज सोचा बेड में लगा दिए। तो ये अभी निकाल लेते मैंने कुछ दिन पहले, इनका रखने का मौका मिल ही रहा था तो आज ये अभी ना फिर क्या सो फ्रेंड्स आज हमें इतना सारा काम करना पड़ा क्योंकि आज एक तो धूप निकली है बहुत दिन बाद, गेहूं भी सुखाया था लेकिन शक्कर रह गए, शक्कर नहीं सुखा पाई क्योंकि बंदर का डर था थोड़ा सा। तो अभी धूप थोड़ी सी हल्की हो गई है इसलिए मैंने सुखाई भी नहीं है।
तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और जिसने मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है वो फटाफट कर लिए। मेरी आईडी है @charuchauhan56, तो फटाफट सर्च मारिए और इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो करिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए और अच्छे से सपोर्ट करते रहिए। मैं ब्लॉग अच्छे अच्छे लाती रहूँगी, और अभी फ़िलहाल इस पर बेडशीट नहीं बिछी है तो उसको बिछाऊंगी मैं थोड़ा सा अभी बाद में। और ये ब्लैंकेट भी मुझे छत पे डालना था लेकिन कपड़े नहीं सूखे, तो ब्लैंकेट तो डालने की बात थोड़ी देर में डाल दूँगी। और ये बंदर बैठा हुआ है यहाँ पे, ये बैठा हुआ और मैं बंदर ही हूँ। हाँ, अच्छा है। अच्छा ठीक है, तो बहुत बोलता है, चुप नहीं रहता बिल्कुल भी। पपीता खाएगा? नहीं, फ्रेंच फ्राइज ही खाएगा सीधा। हाँ। मिल लो भैया इससे, तो मैं फ्रेंच फ्राइज बना लेती हूँ, और थोड़ा सा मतलब अभी उबाल लिए थे तो फ्राई करना है इनको। और लोग अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।